इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ना कहना कितना ज़रूरी होता है। ये इस बुक का मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। ये चैप्टर शॉर्ट है पर साथ ही इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ना कहने के लिए सीखना। हर बार जब आप कुछ बातों के लिए हाँ कहते हैं वह महत्वहीन होता है। आप किसी चीज़ के लिए ना कहें तो वह महत्वपूर्ण होता है। यस सर, यस मैम कहने से कुछ महान काम नहीं होता। ना कहना भी बहुत अच्छा और मूल्यवान है। उस दोस्त को ना कहें जो सिर्फ गपशप करने के लिए कॉफ़ी पर मिलना चाहता है। या अपने उस सहकर्मी को भी ना कहें जो अपनी नकारात्मकता का प्रसार करना या दूसरों में दोष दिखाना चाहता है। या फिर अपने उन रिश्तेदारों को भी ना कहें जो आपके सपनों पर हंसते हैं और आपको खुद पर शक करने के लिए बाध्य करते हैं। जीवन के उस सामाजिक दायित्व को भी ना कहना सीखें जो जीवन का समय बर्बाद कर रहा है। हर बार जब आप कुछ बातों के लिए हाँ कहते हैं वह महत्वहीन होता है। आप किसी चीज़ के लिए ना कहें तो वह महत्वपूर्ण होता है। सभी लोगों के लिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। हम में जो अच्छा है उसी को लें। अपनी प्राथमिकताओं को समझें, अपने लक्ष्य को समझें और एक अच्छे इंसान के रूप में कार्य करने के लिए आने वाले वीक, मंथ और ईयर में क्या करना है इसे भी जान लें और अन्य सभी बातों को ना कहें। हो सकता है आपके आसपास के लोग इससे खुश ना हों, लेकिन दूसरों के कहने के अनुसार जीवन जीने के बजाय अपने सत्य और सपनों के साथ जीवन जीना उचित होगा। धन्यवाद।